नमस्ते स्टूडेंट्स, खुश रहो बेटो। आई जे डॉक्टर नरेंद्र सिंह सहगावत, असिस्टेंट प्रोफेसर, पानी पानी पिला दे। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ प्रोफेसर डिपार्टमेंट। अभी तो अंदर से पिला दे, इसको अंदर रख दे। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट भर के रख दे। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस जो साइंस जो तरीके बटो वन जो नतीजे पर क्लिनिकल कंसल्टेंट सूर्यांश आरोग्य साला ज्योति विद्यापीठ मंजन श्री हॉस्पिटल जयपुर। प्रीवियस क्लास में डिस्कस अबाउट अवध संलग्न के उपाय में विशेष स्थान निर्धारण उपाय। इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट रेस्ट पार्ट ऑफ अवध शेष स्थान अवध संलग्न निर्धारण के उपाय। कर्णी स्टार्ट विद कर्ण शल्य आहरण उपाय। यंत्रेण यंत्रेण विमर्दयत कर्णानि कर्णावन्ति कर्णावन्ति कर्ण वंदर बाद कर्ण जैसे उत्तिंदानी पुरुषता देव कर्ण सलर्ता सराधि सले से स्थान में फंसा होगा जहाँ सले के कण इस प्रकार विशेष असुविधा नहीं होती होगी और जो सले ऊपर उभरा हुआ प्रतीत होता होगा उसके कर्णों को विमर्जित करके अर्थात दबाकर हस्त कौशल के द्वारा अथवा यंत्र की सहायता से सामने से अर्थात जिस मार्ग से सले प्रवेश हुआ है नए निकालते विरुद्ध मार्ग से बाहर निकालना अर्थात प्रतिलोम विधि के द्वारा बाहर निकालना उसको अपन कहते हैं। ये प्रक्रिया कर्णी शल्य आहरण उपाय में उपयोग की जाती है। कंठगत शल्य कंठ संलग्न लक्षादि शल्य आहरण उपाय। जातु से कंठा सकते से कंठे नाड़ी प्रविश्य अग्नितय ताप्तम ना दुश्लाका वा उग्रम्य सीता भीति परिसच्चि स्त्री बता मुद्धरेत जासुतम तु जतु मद्दु सृष्ट प्रलुप्तया श्लाका पूर्व कल्पने ते कहे। कंठ में लाप्सा से नियमित वस्तु अगर फंस जाने पर सले फंस जाने पर गले में नाड़ी सवर्ण शिला लोक में नाड़ी प्रविष्ट करके उसमें तप्त श्लाघा प्रविष्ट करके ऐसा करने पर श्लाघा लाप्सा नुमा सले में घुस जाती है तो उस पश्चात उस तप्त श्लाघा पर शीतल जल का परिषेक करें। लाक्षा रूपी शल्य श्लाघा से चिपक गया हुआ ये जानकर श्लाघा को बाहर निकाल लें। कुछ आचार्य के अनुसार श्लाघा को लाक्षा तो मोम प्रयुक्त करके लाक्षा से भिन्न पदार्थों से नियमित शल्य का भी से क्रिया से निर्माण किया जा सकता है।
किसी तीर से फंसा होगा तो उसे बाहर निकालने के लिए कैसे उंडक बॉल का जड़ सूत्र बांध कर पतले बाघ के साथ निकलने को बेस करे तो पश्चात पुनः पतला बात पेट भर खाने तक पिलाए तो पश्चात गुण को अमन कराने का उपदेश करे अमन के असल कुछ बाघ कैसे उंडक में अटक कर बाहर आता है। ऐसे में सिद्ध को बाहर निकालने अथवा दंत दावन की सहायता से शरीर को उनसे धीरे धीरे बाहर निकाले यदि सल्ले बाहर निकालना संभव नहीं तो समस्या आगे टकने पर इस तुम यदि अंतवाग में निर्माण हुआ तो रुगण को मधु सरग्राही एकत्र करके चटें तो त्रिफल चूर्ण गुरगत के साथ चटें। पानी डूबे होती थी इससे कंठागत सल्ले आरण पर यदि अन्न निकालने वाला ग्रास गले में सल्ले के समान अटक जाए तो ऐसे में उसकी संकोच होकर रुकन को बताए बगैर उसके कंधे पर जोरदार मुट्ठी प्रहार करे और इसने मध्य जल पिलाए। पानी में डूबे होती थी इससे पानी में डूबने पर उस व्यक्ति के पेट में पानी भर जाता है इसमें रुकन को अधोमुख स्थिति में सुलाकर जोर से लाए सब हम कराए बस राखी में तक गड्ढे में गले तक गाड़ रखें। बाबूराज के पास पीड़ित की चिकित्सा हस्त रस्सी लता के साथ से गला दबाने पर वायु प्रकोपित होकर कफ को प्रकोपित करता है। सांस मार्ग अवरुद्ध होकर श्वसन क्रिया रुक जाने पर लालसा और मुख पेन और सिंगना से लक्षण दिखाई देते हैं। इस समय रुग्ण सर्वप्रथम अभ्यंग सेवन करें तत्पश्चात तीक्ष्ण वेचन वात नाशक रस जैसे मांस शासन करवाएं। कर्णगत उपाय कान में कीटक प्रवेश होने पर तोद गौरव होकर आवाज कीटक या जल अत्यधिक वेदना होती है ऐसे होते हैं क्योंकि मध्य के द्वारा कर्ण पूर्ण ऐसे कर्ण कीड़ा निकल जाता है दस्त अच्छा से चिपका हुआ होगा तो फूट जाता है। कीड़ा निकल जाने पर जो निकाल लेंगे तो कीड़ा कान आगम को होता है ऐसे कर्ण संक्रमण प्रतिना चिकित्सा करें। यदि कान में पानी बढ़ जाने पर तेल एकत्र कर्ण पूर्ण करे तो जिस कान में पानी गया उसे नीचे जमीन की ओर करके कान बहा से ताड़न करे तो नाड़ी यंत्र की सहायता से पानी खींचे। यदि सल्ले बाहर निकाला इस स्थान में शोध पाक तीव्रता विकलता आदि उपद्रव निर्माण होते हैं तब मृत्यु भी यह तो यत्न पूर्वक सल निर्माण करना आवश्यक है तो यदि संलग्न है उपद्रव संलग्न निर्माण ना करें तो ईश्वर डिस्कशन इज पावर्ड बाई रेडिएशन सेशन 2.0 जयपुर
If you are, we are satisfied with this digital session. If you have any doubts and comments and comments, so I will resolve it soon. Thank you, students. I am JVM Dr. Narendra Singh Sehgal, Assistant Professor Department of Sal, Faculty of Erickson, Jyoti Vidyapeeth, Manjeel Teacher. In today's class, we discussed about introduction part of literacy. Today's class, we will discuss again the rest part of literacy. Let's begin with Kitajudarji. Kitajudarji का वर्ण एक पक उद्यम पर के सम्मान अथवा शाव वर्णी होता तथा इसमें वाकुट के अंदर लाल तथा उम्र में असिद्ध होता है। इसमें ज्वर दाद कृष्ण मोहम्मदी लक्षण होते हैं। पितृदुर्दी का पाक सत्तर होता है और इसका सेवन करने पर तिल फलत जल के वर्ण के सदस्य स्वाव होता है। स्वाव सदस्य पांडु शीत स्तब्ध अल्प वेदना चिरो उत्थान प्रपागत सकंड उसका पति तो यह कप जी करती का आकार शराब के समान होता है। पांडव अनर्था शीत होता है, धीरे धीरे फैलने वाला तथा पाक होने वाला मंद वेदना के लक्षणों से युक्त होता है। सुश्रुत के अनुसार इसका वेदन करने पर पांडव ने श्राव होता है, चरका श्राव गाड़े पिछला बोल मानता होता है। सन्निपात जीवित नाना वर्ण अरुज श्राव पाटलोग विष्णु महान किसम पच्चते चीतरि निपातिक है। प्रकार के जिसका विषम काल स्वरूप में होता है, वेदन ग्रंथ विभिन्न प्रकार का स्वरूप होता है। सामंत्य विद्युति का आकार बड़ा स्वरूप होता है। बोलने के विद्युत और विद्युत प्रमाण व्यस्त होकर से दूसरे के लिए उसकी होती है। पता जो आकर जो विद्युति बच्चे से विनय क्षतोक्ष्मण वायु विस्तृत है। रक्तम पीतम रागास्तुदी लक्षण पतन गुड़ उत्पन्न वर्णों में तो वर्णित के द्वारा पत्र सेवन करने पर वायु का मार्ग अवरोध होता था। अगत ग्रहण धातु कुछ प्रकोप होता है। प्रकृतवाद के कारण की दृष्टि उत्पन्न होती है। रक्तजी के समान लक्षण होते हैं, जैसे जर दाय लक्षण तीव्र स्वरूप के होते हैं। अधिक प्रमाण होते हैं। अब सतजी आगंत बच्चों सतजी आगंत के कारण उत्पन्न वर्ण में वर्णित के द्वारा पत्र सेवन ग्रहण वायु का मार्ग अवरोध होता है। आघात के कारण धातुओं का उपद्रव इससे भी अधिक प्रमाण में होते हैं। यहाँ पांच प्रकार के विद्रोहियों के लक्षण बताए गए हैं। अंतिम विद्रोही रक्त विद्रोही का लक्षण अपन अगले लेक्चर पर डिस्कस करेंगे।
So everyone, this session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Vijaypur. I hope you are satisfied with this digital session. Doubts and queries, please mention in comments. So I will resolve it soon.